सुनिए थैंक्स। हाँ हाँ समझा समझा। आप बिल्कुल कार्तिक जैसे दिखते हैं। क्या बोली? चल 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 निकल निकल यहाँ से। आप उनको तू क्या बोली? आप उनका नाम भगवान है भगवान। मैं किसी की तरह दिखता नहीं हूँ। आप उनका स्टाइल भी एकदम अलग है। बात करने का स्टाइल अलग, चलने का भी स्टाइल अलग, समझी? अच्छा एक बात बता, तू जिसकी बात कर रही है वो कौन लगता है तेरा? नहीं अभी तक शादी नहीं हुई है, बस बॉयफ्रेंड है। तेरा बॉयफ्रेंड है? अरे तू समझती क्या अपने आपको? तेरी उम्र क्या है बॉयफ्रेंड रखने की उम्र है? हाँ? मुझे एक बात बता, तुम्हें अपने माँ बाप की कोई कदर वदर है कि नहीं? जिन्होंने पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया है उनपे क्या बीतेगी? नहीं उसे देखते ही मेरी मम्मी को गुस्सा आ जाता है। तुम रुको। माँ के बारे में ऐसे बोलती हो? जानती हो माँ क्या होती है? माँ 9 महीना तुम्हें पेट में रखती है, उसके बाद तुम्हें बड़ा करती है, तुम्हें पोसती है, तुम्हें पालती है और तुम्हारा ध्यान रखती है, लेकिन उसके बावजूद तुम जैसी लड़कियाँ अपना माँ का नाम बदनाम करती है। छोटू इधर आ। हैं? छोटू नहीं छोटू मेरा सामान दे। किधर है मेरा बड़ा सामान? ये रहा। काट दो इसको। अगर इस जैसी लड़कियाँ रहेंगी खानदान का नाक कटवा देंगी। इस जैसी लड़की को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है भैया। ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। आइंदा अगर तुमने बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिया ना तो तुम्हारी मुंडी पकड़ कर काटूंगा। चल कार्तिक कार्तिक। ए तुम लोग किसी भी तरह उस नारियल वाला मुर्गन को काट के लिए लेकर आओ। है? अच्छा तो आप लोगों को भगवान से मिलना है? अरे तो पहले बोला था ना नारियल वाले भगवान से मिलना, एक झटके में मिला देता। क्या भेजा की माँ बहन कर दी। बोला था ना ठीक से बात करना इससे। इसके दिमाग में कुछ है ही नहीं लगता है। लेकिन तू तो बहुत समझदार है ना। इट्स ओके मैं बता दूंगा लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? बोलो इसका क्या फायदा होगा? लो दे दो 10 रुपीज। मैं तो गिरा हुआ नहीं हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? सोना अंगूठी गहना सब कुछ दे दूं क्या? ये वही ना बात, ब्यूटीफुल आइडिया। लाओ 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 चलो इधर आओ। तुम लोग बन जाओ। अरे अरे कोई मुझे बुला रहा है, कुछ हो रहा है, कहाँ कहाँ है? मुझे यहाँ पर है। ए, चलो सुनो जाओ। चलो 1 2 3 चलो चलो 1 2 3 चलो कूदो 1 2 वापस वापस चलो चलो आगे चलो इधर से चलो अंदर जाओ चलो। अरे चलो आज बन जाओ बन जाओ चलो कूदो कूदो चलो चलो वापस वापस आ जा 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 आ गया आ बाबा आ बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंद्र के दरबार में आ गया। बिल्कुल ठीक बोला। मुर्गा बनते बनते मेरी पीठ में दर्द हो गया। आइडिया भी तो आप ही का था, क्यों दिया ऐसा आइडिया? अरे भाई आइडिया जैसा भी था आप सोचने से क्या फायदा, आप तो सोना भी गया और कंबख्त कवर भी गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना आराम है यहाँ। बरसों के बाद अपन चैन की नींद सोएगा यहाँ पर, मजा आ जाएगा। हाँ जी भगवान तुम दोनों पर खुश हो गया। अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गया तुम दोनों को। अरे एक बार की बात है, एक इंसान को मैंने मुर्गा बनाया था, उस पर मैं कूदा लेकिन कूदते ही वो नीचे बैठ गया। बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से झुकता हूँ। ये क्या कर रहे हो? उठक बैठक करते करते बैटरी डाउन। अच्छा? हो गई। हाँ तुम्हारा बस चलता तो मुझे बनारस तक मुर्गा बनाकर भेज देता। धत्तेरे की, वो यहाँ मंदिर की बात कर रहा है और तुम बनारस की बात ले बीच में बोलना बंद करो, तुम्हें कुछ मालूम है? ए आजा। आप लोगों का काम हो गया, अभी अपन चलते हैं। अरे रुको रुको, इतनी मुश्किल से हम लोग तुमको यहाँ तक लेकर आए हैं, अब तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? क्या कहा? हम क्या पागल लगते हैं? अच्छा भगवान जल्दी जाकर मेरा वो सामान लेकर आओ। चाकू चाहिए? मुझे पता नहीं था लोग इतना बड़ा गेम खेलेंगे। तुम लोगों के पास चाकू है तो लाकर दो, मैं अपने हाथ से काट कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। मुंडी मुंडी तुम्हारी मुंडी। अरे रुको, नारियल की तरह काट डालूंगा सबको। अरे वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कि इंद्रलोक से उर्वशी नीचे उतर रही है। तुम इंद्रलोक की अप्सरा हो तो अपन भी कुछ कम नहीं है। तुम अपने आप को खूबसूरत समझती हो तो हमारे में भी जवानी कम नहीं है। रूप ऐसा दिया है कि नजरें बस तुम्हें ही देखती रह जाए। अदाएं इतनी कातिल है कि बस हम तो देखते ही आहा हा मदहोश हो जाए।
चाल तेरी मस्तानी है, अदाएं तेरी इतनी कातिल है, अंग अंग तेरा ऐसे महके जैसे सांसों में तू ही समाई हो। आहा, क्या चमक है आंखों में, जाओ जाओ अपनी माँ को बुलाओ। मैं ही माँ हूँ, मेरी दो बेटियां हैं। आहा, क्या बात कर रही हो, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो। ये लक्ष्मी देवी दौलतमंद है, पर उसका क्या फायदा जब तुम्हारे पास अपनी इज्जत ही ना रहे। ये आप क्या बोल रही हो, क्या प्रॉब्लम है, आप उनको बताओ ना। क्या बताऊं तुम्हें, और बताने से फायदा क्या होगा, मेरी तकलीफ कौन दूर करेगा, मेरा आखिर है ही कौन। ऐसा मत बोलिए, आपके एक जबान पर अपन जान निकाल कर देगा, आप उनको अपना ही समझिए। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, अरे ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है, अगर कुछ करना है तो मुझे बताइए। सब मेरी किस्मत है बाबू, मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तय किया है, पर एक आवारा लड़के ने उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। ओ, तो ये बात है, मुझे आप एक बार उस लड़के का नाम बताइए, क्या नाम है उसका। कार्तिक। कहाँ रहता है। पता नहीं। कैसा दिखता है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं आपसे वादा करता हूँ वो जो भी है बचेगा नहीं। भगवान मुझ में इतनी शक्ति दे कि मैं उसे मजा चखा सकूं, इतनी ताकत दे मुझ में कि मैं उसे मजा चखा सकूं। कुछ भी कर। सुना तूने, सुना तूने, सुना। इस धरती की कसम खाकर कहता हूँ, ऊपर आसमान की कसम खाकर कहता हूँ कि उस इंसान को आपके चरणों में अगर मैंने लाकर नहीं झुकाया तो मेरा नाम भी भगवान नहीं, और मैं ये शक्ल आपको दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं तो थक गया यार। टेंशन मत लो भाई। प्लीज तुम उठाओ। तू उठा। मैं नहीं उठाऊंगी। मैं भी नहीं उठाऊंगी। प्लीज उठाओ। नहीं। मेघना तुम उठाओ ना। क्या कर रही हो? मैं नहीं उठाऊंगी। मैं नहीं उठाऊंगी। आंटी बॉक करना। रुक 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 मत उठा। क्यों क्या हो गया जी? अरे कुछ भी हो सकता है, चलो। हां अभी मैं उठाता हूं। वो आदमी नीचे झुककर बॉल क्यों नहीं उठा रहा? अगर झुककर उठाएगा तो क्या तुम यहाँ रुक पाओगे? ओ, अच्छा। अरे, अरे बैठ जाओ, झुको मत, बैठो। अरे मैं तो रंगोली कर रही थी। कोई भी काम झुककर मत करना जब तक ये भगवान घर में है। अरे रंगोली मंगोली छोड़ो, झुकने की जरूरत नहीं है, फेंक दो से। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो मुर्गा बने और मैं उस पर से छलांग मारूं। आज बहुत ही दिल कर रहा है छलांग मारने का। भगवान किसी को तो मुर्गा बना। घबरा मत यार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो झुकेगा। अरे मम्मी ये कैसा आदमी रखा है आपने घर में? जब तक ये आदमी इस घर में रहेगा मुसीबत है। मेरे ख्याल से उसे जल्दी निकाल देना चाहिए। चुप रहोगे? चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, मुर्गन इसी घर में रहेगा। मुर्गन, बाबू मुर्गन, तुमने कुछ खाया बाबू? हाँ लक्ष्मी जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ मैं। बटला जी, बाबू के लिए खाना लेके आओ। मैडम बस 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 बस। अरे रुक रुक रुक, बाद में ले। पैकिंग कर रहे हैं क्या? खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। चल ये ले ला। फिर मुझे क्यों दे दिया? खाना क्या देख रहा है? ये भी खा ले। अरे यार कोई तो मुर्गा बना था। हाँ कहाँ है, कहाँ है, कौन, कोई कोई तो मुर्गा बना, मैं आता हूँ। अरे रुको, कहाँ है, कहाँ है मुर्गा, यहाँ तो कोई नहीं। इसे क्या हो गया? मुर्गा कहाँ है, यहाँ नहीं लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अच्छा मेरा पैर ऊपर की तरफ जा रहा है, मुर्गा ऊपर ही होना चाहिए। चलो चलो। मम्मी
मम्मी, मम्मी जल्दी सीधे हो जाइए।